आई लव यू टू बेटा कहानी जो सुनाने जा रहा हूँ शायद आपको अच्छी लगे तो कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं। एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब था। वह दिन रात यही सोचता था कि वह खूब मेहनत से पढ़ाई करेगा और एक अच्छी सी नौकरी लेकर अपनी एक कार खरीदेगा। जब भी वह रास्ते में कोई कार देखता तो वह सपनों में खो जाता और सोचने लगता कि मुझे अपनी कार कब नसीब होगी। उसने ग्रेजुएशन करने के बाद एक नौकरी करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो गई और कुछ टाइम के बाद उसे एक बेटा भी पैदा हो गया, लेकिन अभी तक वह एक कार नहीं खरीद पाया था। वह कुछ न कुछ पैसे जरूर जमा करता और एक दिन जब उसे लगा कि वह अपनी कार खरीद लेगा तो उसने अपने सारे पैसे से एक कार ले लिया। एक दिन की बात है कि वह अपनी कार को खूब रगड़ रगड़ कर साफ कर रहा था, तभी उसका बेटा आया और उसने उस पर कुछ पत्थर से लिख दिया। उसने जैसे ही देखा कि वह कुछ लिख रहा था वह उसको पीटने लगा और उसे ले जाकर कमरे में छोड़ दिया। वापस आकर फिर से वह अपने कार को धोना शुरू कर दिया। फिर वह उस जगह पहुंचा जहां पे उसका बेटा कुछ लिख रहा था। उसने देखा बेटा पत्थर से लिखा था आई लव यू पापा। यह देखकर वह रोने लगा और बहुत ही ज्यादा पछतावा करने लगा। वह कमरे में अपने बेटे के पास दौड़ते हुए गया, उसको गले से लगाया और बोला आई लव यू टू बेटा। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को कुछ सीख मिलती है कि गुस्से में लिया गया निर्णय कभी सही नहीं होता है, इसलिए हम ऐसा कुछ काम न करें कि जिससे हमें बाद में पछतावा हो। मित्रों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।